हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। एंड गाइस, एज यू हैव ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल, दिस इज गोइंग टू बी अ नायका हॉल रिकमेंडेशन वीडियो। लाइक यू नो, आई हैव परचेज शिट टन ऑफ स्टफ फ्रॉम नायका सिंस लास्ट 2 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई एम इन अ पोजिशन टू गिव यू नो रिकमेंडेशन वीडियो लाइक वॉट यू शुड ग्रैब ऑन दिस सेल विच इज कमिंग ऑन 3rd of May। एंड येस गाइज, विदाउट मेकिंग द इंट्रो एनी मोर लॉन्ग इनफ, लेट्स जस्ट डाइव राइट इन टू द वीडियो। गाइज, मैं फुल फेस ऑफ मेकअप के लिए यू नो स्टार्ट करूंगी जैसे जिस सीक्वेंस में मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्किन केयर और उसके बाद मेकअप प्रोडक्ट्स पे मूव ऑन करेंगे। सो येस गाइज, माई फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर फेशियल ऑयल इज दिस नायका स्किन पोशन स्किन जीनियस फेशियल ऑयल। एंड गाइज, ये मैंने शायद से यू नो 50% ऑफ में पिछले साल की जून की सेल में खरीदा था। एंड गाइज, द क्वांटिटी इज लाइक यू नो शिट टन क्वांटिटी यू गेट इन दिस मच बॉटल, क्योंकि मैं इसको एक साल से यूज कर रही हूँ, जून से यूज कर रही हूँ, एंड इट हैजंट यू नो फिनिश्ड येट। मतलब बचा है, अच्छा खासा बचा है, शायद 1 महीना और चल जाएगा। एंड गाइज, दैट इज यू नो क्वाइट गुड, एंड आई गॉट इट इन 50% ऑफ। एंड गाइज, डू चेक इट आउट, नायका की ग्रैंड सेल्स में यू नो 50% ऑफ तक जाती हैं बहुत सारी चीजें, खासकर की जो खुद नायका की चीजें वो तो जाती हैं। सो येस गाइज, दिस वॉज माई फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर फेशियल ऑयल, दिस एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन योर स्किन एंड योर मेकअप। ओके गाइज, नेक्स्ट अप कमिंग अप फॉर मॉइस्चराइजर, आई हैव लॉरियल पेरिस परफेक्ट स्किन परफेक्ट पिंपल रिडक्शन प्लस व्हाइटनिंग एज 20+ मॉइस्चराइजर। गाइज, इफ यू आर माई रेगुलर सब्सक्राइबर्स, यू माइट हैव सीन मी यूजिंग दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर इन मेनी ऑफ माई वीडियोज। एंड गाइज, दिस इज हाउ द मॉइस्चराइजर लुक्स लाइक। आई हैव यूज क्वाइट अ लॉट क्वांटिटी ऑफ दिस मॉइस्चराइजर, दिस इज अ मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर और एक हल्की सी व्हाइट टिंट छोड़ देता है आपके फेस पे। यू नो वेन एवर यू आर प्रेपिंग योर स्किन फॉर मेकअप, देन यू नो इट सॉर्ट ऑफ फील्स वेरी गुड वेन योर स्किन इज ऑलरेडी गेटिंग प्रेप्ड अप विदाउट यूजिंग द मेकअप प्रोडक्ट्स बिफोर हैंड। सो येस गाइज, दिस इज अ गुड रिकमेंडेशन फॉर योर मॉइस्चराइजर स्पेशली फॉर मेकअप। लाइक दिस इज गोइंग टू बी यू नो अ वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू माई फेवरेट्स फ्रॉम नायका ऑफ फुल फेस ऑफ मेकअप। सो येस गाइज, दिस वॉज माई सेकेंड रिकमेंडेशन। नेक्स्ट अप कमिंग टू प्राइमर्स गाइज, आई ओन क्वाइट अ फ्यू प्राइमर्स बट दीज 3 प्राइमर्स दीज आर माई होली ग्रेल्स गाइज। एंड गाइज, टेक इट फ्रॉम मी, इन पे बहुत डिस्काउंट मिलता है आपको नायका की ग्रैंड सेल्स में, तो यू नो आई वुड रिकमेंड यू पहले आप ये खरीद लें क्योंकि दीज थिंग्स जस्ट रन आउट ऑफ स्टॉक विद इन सेकेंड्स। सो गाइज, फर्स्ट अप इज के ब्यूटीज प्राइमर इन द शेड लैवेंडर। गाइज, इसमें एक बहुत ही हल्की सी व्हाइट टिंट है जो बहुत अच्छी लगती है चेहरे पे लगाने के बाद, और यही नहीं, ये बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है प्राइमर की और 2 सेकंड में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। द नेक्स्ट प्राइमर आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज आई थिंक सो एन ओजी प्रोडक्ट, सारे ही यूट्यूबर्स इसको रिकमेंड करते हैं, दिस इज लैक्मेज ब्लर परफेक्ट प्राइमर गाइज। और इसकी यू नो पाउडरी सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी आपके पूरे फेस को कैनवस जैसा बना देता है, मतलब लिटरली कैनवस बना देता है, कुछ भी एक भी पोर नहीं रहता। एंड एज द नेम सेज, इट जस्ट ब्लर्स डाउन ऑल द पोर्स ऑन योर फेस। एंड गाइस, एक हल्की सी पिंक टिंट देता है आपके फेस को जो यू नो बहुत प्यारी सी लगती है। एंड द लास्ट वन इज नायका प्रेपनिया प्राइमर गाइस, दिस इज अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एंड दिस इज यू नो वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड नायका। सो येस गाइस, डू गिव इट अ शॉट, give it a shot, this works absolutely very gorgeously on your skin and I've also been using it from quite some time. So yes guys, this was the 3rd recommendation. Next up guys, color correction ke liye agar aap log mere regular subscribers hain then I don't think so I need to mention this, please do grab the Sugars color corrector stick guys, take it from me, India mein best available color corrector hai, I am in the shade orange and guys I think so lavender और ग्रीन कलर करेक्टर्स आर यू नो सॉर्ट ऑफ प्रेफरेबल कि अगर आपको चाहिए तो ही, बट ऑरेंज कलर करेक्टर इज अ मस्ट। मतलब अगर आपको कहीं हाइपर पिगमेंटेशन नहीं भी है तो डार्क सर्कल्स के लिए आपको चाहिए होंगे। एंड गाइज, दिस इज अ बैंग ऑन प्रोडक्ट गाइज, टेक इट फ्रॉम मी, डू ग्रैब दिस व्हेन यू सी इट ऑन डिस्काउंट एंड इन दिस कमिंग सेल। नेक्स्ट अप फॉर फाउंडेशन, आई एम गोइंग टू शो यू 3 फुल कवरेज फाउंडेशन फ्रॉम ड्रग स्टोर कैटेगरी। एंड ऑल्सो गाइज, दीज फाउंडेशन आर माई होली ग्रेल्स, लाइक यू नो आई वुड ऑलवेज रीच out for them if in case I finish these foundations. And guys, here goes, the first foundation is Nykaa Skin Genius foundation and I am in the shade 03 rose beige for reference. And guys, isko maine bahut zyada use kiya, let me just show you, this is how the product looks like from the inside. Itna zyada use kiya hai guys, ye ek roll up sort of product hai, aapko roll up karke product ko bahar nikalna rahega. And guys, this is like you know my absolute favorite foundation guys.
फुल कवरेज फाउंडेशन है, मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप इसको कभी भी ब्रश से ना ब्लेंड करें, वरना आपकी ओरिजिनल स्किन तो दिखेगी ही नहीं. यू मस्ट ऑलवेज टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर फॉर ब्लेंडिंग इट. एंड गाइस आई थिंक सो कि मतलब इस प्राइस में आपको इतनी फुल कवरेज कहीं पे भी नहीं मिलेगी. गाइस नायका की कुछ चीजें यू नो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब यू नो दे हैव नेल्ड इट इन सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. सो यस गाइस दिस इज फर्स्ट वन ऑफ देम, और ये शायद 50% तक ऑफ में जाता है उनके ग्रैंड सेल्स में, सो डू चेक इट आउट. द सेकेंड is an OG product guys, this is Maybelline Fit Me's foundation and I'm in the shade 310, and guys this is a matte foundation, superb coverage guys, superb coverage. And if in case you know you are a very dry skin person and you refrain from applying matte products, then I have a स्मॉल हैक फॉर यू कि आप अपने फाउंडेशन में यू नो थोड़ा सा फेशियल ऑयल मिला लें, जस्ट मिक्स इट एंड देन पुट इट ऑन योर फेस, दैट यू नो सॉर्ट ऑफ मेक्स योर फाउंडेशन ड्यूई. सो यू नो डोंट जस्ट नॉट बाय द फाउंडेशन बिकॉज इट्स मैट, यू कैन ऑलवेज यू नो टर्न अ मैट फाउंडेशन इनटू अ ड्यूई फाउंडेशन यूजिंग दिस टेक्निक. एंड दिस ऑल्सो कम्स विद अ पंप, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग. एंड गाइज द बॉटल इज ऑल्सो सो सेक्सी एंड इट्स कंप्लीटली ट्रेवल फ्रेंडली, एंड आई ओनली हैव प्रोज एंड प्रोज अबाउट दिस फाउंडेशन. द ओनली थिंग इज इट माइट ऑक्सीडाइज आफ्टर 5 आवर्स, क्योंकि यू नो 5 घंटे तक तो मैंने खुद ही लगा के देखी है, 5 घंटे तक बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होती. एंड द लास्ट वन इज गाइज दिस वन, गाइज लैक्मे ने आज तक अगर कोई सबसे अच्छा प्रोडक्ट निकाला है देन दिस इज इट्स लैक्मे 9 to 5 फाउंडेशन. गाइज यू नो दिस इज अंडर अ बजट द बेस्ट थिंग अवेलेबल इन इंडिया, एंड आई एम इन द शेड C300. आज के मेकअप में भी मैंने यही फाउंडेशन यूज किया है. एंड गाइज दिस कम्स अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेटर, मतलब आप इसी से फेस पे लगा सकते हैं. एंड इफ इन केस यू नो यू have an issue with applying the applicator directly on your face, you can always take the foundation on the back of your hand and then apply it on your face. So yes guys, I just you know hope that this was sort of useful for foundation thing. Guys these three are my holy grails foundation, holy grail foundations, and guys just take it from me, you will never regret buying these foundations. Okay guys, next up for concealer, I have 3 recommendations. First is this Makeup Revolutions concealer. I'm in the shade C10, and guys you can already see that मैंने इसे बहुत use किया है. ये बहुत ही ज्यादा high coverage concealer है guys. I don't know why no one talks about this concealer, and everybody you know talks about L'Oreal Infallible concealer, but guys take it from me, this is the best concealer you would own under a budget. And this particularly Makeup Revolution, it goes up till I think so 60% off if I'm not wrong. And yes guys take it from me, you won't regret buying it. The second is Lakme Absolutes concealer, and guys this comes with SPF 25, and guys this is how the wand of the concealer is. Guys you know I would really recommend you all ki aap Lakme ke bhale khud ke Lakme ke products na khareede, but check out Lakme Absolute range guys on sales particularly. Actually you know Lakme Absolute sale सॉरी लैक्मे एब्सोल्यूट रेंज जो है वो थोड़ी महंगी भी है लैक्मे के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स से. सो यू नो इट्स ऑलवेज अ गुड डील टू बाय सच प्रोडक्ट्स ऑन सेल. सो यस गाइज दिस वॉज द सेकेंड वन, द कंसीलर फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट. एंड गाइज द थर्ड वन इज Swiss Beauty's liquid concealer. I am in the shade 02 light, and guys this is also a full coverage concealer. ये already बहुत cheap है, you know Swiss Beauty के products already बहुत cheap होते हैं, but you know in sales you would definitely get a huge discount on them, so why not grab them on sale. So yes guys, this was the recommendation for concealer. गाइज नेक्स्ट अप फॉर सेटिंग योर फेस, पहले मैं आपको कॉम्पैक्ट दिखाऊंगी, उसके बाद लूज पाउडर दिखाऊंगी. और फॉर कॉम्पैक्ट गाइज आई हैव 2 रिकमेंडेशंस. वन इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा, दिस कम्स विद SPF 20, और गाइज ये यू नो ऑलरेडी बहुत सस्ता होता है, बट सेल्स पे तो आपको फेसेस कैनेडा बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में देखने को मिलता है नायका पे. दिस कम्स विद अ मिरर, एंड ऑल्सो हेयर इज द सॉरी कॉम्पैक्ट, दिस इज हाउ द कॉम्पैक्ट लुक्स लाइक. आई एम वेरी क्लोज टू हिटिंग द पैन ऑन दिस. एंड गाइज आई एम इन द शेड नेचुरल 02, दिस इज फेसेस कैनेडा weightless stay matte compact, and this comes with SPF 20. And guys the second recommendation is Lakme 9 to 5 compact. Guys this compact is like you know a bang on thing. I'm in the shade 04 natural cream, and this retails for 575, but guys Lakme I think so most of the products from Lakme going up to 50% off, and as you guys can already see that I've already hit the pan on this पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट. एंड गाइज ओवर हेयर यू गेट टू सी अ मिरर, और यहाँ पे आपको यू नो कॉम्पैक्ट के लिए जो एप्लीकेटर होता है वो रखने के लिए रहता है, मैंने फेंक दिया था बिकॉज आई डोंट रियली यूज इट. एंड गाइज द पैकेजिंग इज बैंग ऑन फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, मतलब आप यू नो अगर
कहीं जाती हैं तो आप इसको अपने पर्स में रख के ले जा सकती हैं. इट वोंट ओपन एंड डिस्टर्ब अदर प्रोडक्ट्स. गाइस, फॉर लूज पाउडर यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड इट बाय नाउ. इसको मैंने हजारों बार अपने चैनल पे रिकमेंड किया है. गाइस, दिस इज के ब्यूटीज लूज पाउडर एंड आई एम इन द शेड वेनीला. गाइस, इंडिया में जो बेस्ट लूज पाउडर है ना वो ये है. मतलब गाइस, आई ऑनेस्टली फील दिस इज द बेस्ट लूज पाउडर. गाइस, यू नो, बिल्कुल मतलब ब्लर कर देता है आपकी पूरी स्किन को. आप इसको लगाएंगे और शायद से 5-6-7-8 घंटे तक गाइस द मेकअप जस्ट doesn't moves. This under a budget, guys, this is the best thing you would own. Obviously, K Beauty is not a drugstore brand. It comes somewhere in mid-range because, you know, it's associated with a celebrity. But guys, K Beauty goes up till 40% off. Take it from me, guys. K Beauty ka to mere ko ek ek product ka price rata hua hai. So guys, do grab it on sale. And guys, this is like, you know, such a product. You are really missing out on something very great if you are not owning this. And this is how it looks like from the inside. Bahut hi fine particles hai guys. Matlab literally best loose powder hai. Matlab I think so, agar aap kisi high-end brand ke loose powder se compare karenge to ye usko bhi takkar de jayega. And guys, just look at the packaging. The packaging is so sexy, like guys. K-Beauty ka, guys, I don't think so, I need to say. Next up for bronzers, I have 4 recommendations. First is Bahama Mama's bronzer and I'm in the travel size. Ye maine shayad se 40% off liya tha, 40% off mein liya tha. And guys, if you get the full size version, then do grab that only. Kyunki, you know, travel size bahut hi jyada mini rehta hai. Matlab, you know, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेकअप करती हैं देन इट वुड यू नो रियली नॉट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो माय रिकमेंडेशन वुड बी डू ग्रैब द फुल साइज ओनली इफ पॉसिबल एंड इफ यू गेट टू टेक इट बिफोर द स्टॉक गोज आउट. गाइज, द सेकेंड इज फ्लावर ब्यूटीज हीट वेव इल्यूमिनस ब्रॉन्जर. गाइज, दिस इज सच अ लाइक यू नो सच अ सेक्सी प्रोडक्ट. गाइज, आपको इतना ज्यादा यू नो मतलब यू नो ये ब्रॉन्जर मैंने पहली बार कोई ऐसी चीज यूज की है. गाइज, सन किस्ड इफेक्ट देता है आपकी स्किन पे जहां पे भी आप ब्रॉन्जिंग करती हैं अपने फेस पे. गाइज, बिल्कुल सन किस्ड इफेक्ट मिलता है एंड आई डोंट नो व्हाई इज दिस सच एन अंडररेटेड प्रोडक्ट. मतलब मेरे को तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो में इसको प्रेस करते हुए कोई भी नहीं दिखा. बट गाइज, दिस इज सच अ स्मूथ एंड यू नो लाइक यू नो अ यूनिक प्रोडक्ट. गाइज, यू वुड नेवर फाइंड अ ड्यूप फॉर दिस एंड गाइज, डू ग्रैब इट. यू वॉन्ट रिग्रेट बाइंग दिस एंड यू नो दिस गिव्स यू अ वेरी फ्लॉलेस फिनिश ऑन योर फेस एंड ऑल्सो अ वेरी सन किस्ड इफेक्ट. सो येस गाइज, दिस इज 100% येस प्रोडक्ट फ्रॉम मी एंड डू ग्रैब इट इफ पॉसिबल एंड इफ इट डजेंट गोज आउट ऑफ स्टॉक. क्योंकि पता नहीं नायका किस सेल में, जब तक की सेल स्टार्ट होती है गाइज, मेरे तो पता है आपको विशलिस्ट में से भी सामान आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. आई एम लाइक यू नो सो मच डिसहार्टेंड. गाइज, द थर्ड वन इज एन ओजी प्रोडक्ट. ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस प्रोडक्ट है. दिस इज फिजिशियन फॉर्मूला बटर ब्रॉन्जर. आई एम सॉरी गाइज, यू नो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू हीट. एंड गाइज, फिजिशियंस फॉर्मूला बटर ब्रॉन्जर एंड गाइज, दिस इज लाइक यू नो अ वेरी स्मूथ प्रोडक्ट. इसके बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक बहुत ही ओवरहाइप्ड प्रोडक्ट है. एंड गाइज, द क्वांटिटी इज टू मच. मतलब पता नहीं कितना ज्यादा प्रोडक्ट है. मैंने इसे इतना यूज किया है बट गाइज, पैन हिट करना तो बहुत दूर की बात है. मैंने इसके यू नो ऊपर की लेयर को भी अभी तक खत्म नहीं किया है. सो गाइज, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है आपको जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से. एंड गाइज, द लास्ट वन इज शुगर्स ब्रॉन्जर एंड आई एम इन द शेड वंडर. एंड गाइज, दिस इज हाउ द ब्रॉन्जर लुक्स लाइक. इसको भी मैंने बहुत यूज किया बट आई एम नॉट इवन क्लोज टू हिटिंग द पैन ऑन दिस. नेक्स्ट अप फॉर कॉन्टोर, आई वुड रिकमेंड यू वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट. यहाँ पे आपको एक साइड में कॉन्टोर पाउडर मिलता है और एक साइड में आपको बनाना पाउडर मिलता है. एंड गाइज, ये मक्खन जैसा स्मूथ है. मतलब यू नो दोनों ही चीजें इसमें मक्खन जैसी स्मूथ है. एंड यू नो गाइज, मतलब ये बहुत ही ज्यादा यू नो एक हाइप्ड अप प्रोडक्ट है एंड येट वेट एंड वाइल्ड इज अ वेरी यू नो अफोर्डेबल ब्रांड और आपको सेल्स पे तो और अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा. एंड येस गाइज, आई एम वेरी क्लोज टू हिटिंग अ पैन ऑन दिस. एंड गाइज, इट ब्लेंड्स वेरी सीमलेसली. मतलब मेरे पास इसके लिए कौन सी सॉरी प्रोज ही प्रोज हैं. एंड येस गाइज, आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गिव इट अ शॉट इफ यू हैवेंट ऑलरेडी. बोथ द थिंग्स आर वेरी ग्रेट इन द पैलेट, द बनाना पाउडर एज वेल एज द कॉन्टोर. एंड येस गाइज, मक्खन जितना स्मूथ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. गाइज, नेक्स्ट अप फॉर ब्लश. नाउ दिस वॉज सॉर्ट ऑफ हार्ड क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्लशेज हैं बट आई ऑलवेज यू नो रीच आउट फॉर पर्टिकुलरली दीज टू ब्लशेज. गाइज, फर्स्ट इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन एंड आई एम इन द शेड बेक्ड पीच. गाइज, दिस इज लाइक यू नो सच अ ग्रेट
ग्रेट प्रोडक्ट, बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है. एंड सेकेंड इज लैक्मेज 925 ब्लश एंड आई एम इन द शेड प्योर रोज. एंड गाइज दोनों की ही पैकेजिंग भी बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब यू नो आपको फोर्स लगा के खोलना पड़ेगा. सो इफ इन केस यू वॉन्ट टू कंसिडर द फैक्ट दैट यू वॉन्ट टू टेक इट फॉर ट्रेवलिंग, देन दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग. एंड गाइज बोथ ऑफ देम आर नॉट रियली वेरी चौकी, बट ऑलवेज वी नीड टू पुट इन एन एफर्ट टू ब्लेंड द ब्लशेज. एंड यस गाइज बोथ ऑफ देम गो ऑन अ ग्रेट डिस्काउंट in Nykaa's grand sales, so do check them out. This is Pure Rouge from Lakme and this is Makeup Revolution's Baked Peach. And guys, you might have seen me using both of them in many of my videos. Next up for highlighters भी guys मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, और अभी तो आप मेरी videos में देख भी रहे होंगे, you know मैं एक diamond की तरह highlighter लगा लेती हूँ अपने पूरे face पे. पता नहीं, I used to think that you know I am more of a contour person, but आजकल इतना highlighter लगा रही हूँ, I get a feeling that I am becoming a highlighter person slowly. So yes guys, here goes the recommendations for highlighter. First is Lakme Absolute Moonlit Highlighter. Guys इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना गाइज, आप खुद यूज करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा. बैंग ऑन प्रोडक्ट है गाइज, बैंग ऑन प्रोडक्ट है, लिटरली बैंग ऑन है. सेकंड इज के ब्यूटीज हाइलाइटर. आई हैव टू शेड्स, रोजी ड्यू एंड कॉपर शाइन. कॉपर शाइन टूटा हुआ है, मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोज में दिखाया भी है. एंड दिस इज हाउ रोजी ड्यू लुक्स लाइक गाइज. इनका आपको यू नो हर प्रोडक्ट के साथ ही एक मिरर भी मिलता है, और मिरर बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही सॉलिड मिरर है. मतलब यू नो आप ट्रेवल करने के लिए अलग से मिरर ना ले जाना चाहें, देन जस्ट टेक वन ऑफ के ब्यूटीज things and you are good to go. And the last is Becca's highlighter and I'm in the shade Moonstone. Guys, I know Becca is a discontinued brand, but Becca ke highlighters jo hai, I think so Champagne Pop jo unka most you know most hyped product tha, wo Smashbox ke sath collaboration mein wapas aa gaya hai. So aapko koi bhi shade mile, it doesn't matter guys, give it a shot guys. Best thing. Like, yes guys, these were the three recommendations for highlighters. So guys, if you don't want to buy all the three things separately, then guys, ये जो मैं recommendation दे रही हूँ, आप आँख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं. Guys, this is Faces Canada's face palette and I'm in the shade, I think so, Glow 02, because as far as I know, they have two shades in this. Guys, इसको मैंने बहुत use किया है, बहुत ज़्यादा. And guys, Faces Canada के products, guys, मुझे कुछ कहना ही नहीं है गाइस, जब तक आप खुद नहीं यूज करेंगे. मतलब इनको ना ड्रग स्टोर होना ही नहीं चाहिए था, दे शुड हैव बीन अ हाई एंड ब्रांड, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं आपको. और गाइस फेसेस कैनेडा तो आई थिंक सो बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स पे जाता है नायका की सेल्स में. सो गाइज डू ग्रैब दिस, यू वॉन्ट इवन रिग्रेट लाइक यू नो फॉर अ सेकेंड आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट. तीनों ही चीज गाइज बहुत प्रोफेशनल फिनिश है, द कॉन्टोर, द ब्लश एंड द हाईलाइटर. मतलब यू नो आप अगर कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक यू नो जहां पे आपको प्रोफेशनल फिनिश रिक्वायर्ड है, जैसे ब्राइडल मेकअप या कुछ ऐसे सॉर्ट ऑफ इवेंट्स कंसिडर करें, तो आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं. एंड गाइज यू वॉन्ट रिग्रेट buying this product, this is worth every penny you would invest in it. Guys, अब ये आई शेडो के लिए मैं आपको एक दो बारी में दिखाऊंगी, क्योंकि यू नो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अपने दो हाथों में अपनी दुनिया भर के आई शेडोज लेके खड़ी रहूं, और मेरे पास बहुत सारी आई शेडोज हैं. गाइज द फर्स्ट वन इज नायकाज All Eyes On Me eye shadow palette and guys I own all the five shades जो उनके available हैं. Guys ये under a budget best eye shadows हैं guys, seamless blending है. ये वाला मेरा एक टूट गया था एक shade. Guys seamless blending है, color scheme great है. And guys I only have pros and pros about these particular eye shadows. आप इसमें से कोई भी ले लें, मतलब जो सा भी आपको पसंद आए color scheme, या आपको जो भी कुछ colors पसंद हो उस हिसाब से ले लें. And guys you are good to go. You are sorted, like you know this is the best thing I would recommend you under a budget, Nykaa's eyeshadow palettes if you haven't tried these yet guys. Next up guys, drugstore mein hi ek hai ye K Beauty ke eyeshadow palette. This is the shade Pure Bloom, aur isko main pure dabbe ko hi aaj tak rakhi hui hu, kyunki iski packaging bilkul hi you know matlab bahut hi useless type ki packaging hai, gira aur toot jayega, matlab utni bhi zarurat nahi hai. Aap bas isko agar aise hi rakh dein aur kisi ka haath lag jaye to bhi toot sakta hai. So that's why I have preserved the whole box till now. And the second is Flower Beauty's eyeshadow palette. I'm in the shade Sun's Blazing. And guys, इसके जो shades हैं, you know, highly pigmented हैं, guys, highly pigmented हैं. और मक्खन है guys, मतलब literally मक्खन है इसके shades. So guys, do give it a shot. Both these eyeshadow palettes. और शायद K Beauty तो आपको ज्यादा discounts में, particularly ये shade क्योंकि ये बहुत overhyped है. But Flower Beauty, I think so 60% off तक जाता है. मैंने इसको पिछले साल 50% off में खरीदा था, but अभी मैं दो तीन sales से देख रही हूँ, Flower Beauty 60% off तक जाता है. Guys, high end
आई शेडो पैलेट्स में आई वुड रिकमेंड यू हुडा ब्यूटीज मर्क्यूरी रेट्रोगेज पैलेट। एंड गाइस मेरे को इससे कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। बस 5,000 रुपए जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, शायद 5,600 समथिंग रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो एक शिकायत है। मैंने तो एनीवेज यू नो 50% ऑफ में खरीदा था। एंड गाइस यू नो यूट्यूब पे मैंने भी खुद से भी देखा है, आपको बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज देखने को मिलेंगे इसके बारे में। मतलब कुछ लोगों को पता नहीं शिमर अच्छे नहीं लगते, कुछ को मैट अच्छे नहीं लगते, बट गाइस टेक इट फ्रॉम मी, इसका सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी चौकी शेड्स नहीं है। और आपको हुडा ब्यूटी के मोस्ट ऑफ द आई शेडो पैलेट्स शायद इस बार भी 50% ऑफ तक देखने को मिले। सो यस गाइस do grab it. Next up for your eyebrows, I would recommend you 2 eyebrow pencils. First is Faces Canada's eyebrow pencil. Guys, इसके साथ थोड़ा सा आपको careful रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा pigmented pencil है. And second is Nykaa's Brow Girl Wow Definer. Guys, ये बहुत अच्छी pencil है, बहुत ही light strokes में आपको you know पूरी eyebrows बनाने को मिल जाती हैं. And both the pencils come along with the spoolie on the other end, so you know that is a great thing because obviously you won't carry a spoolie and a pencil along with you if you are going to somewhere. So yes guys, these were my 2 recommendations for eyebrows. Next up for mascara, I have 3 recommendations. Firstly, lengthening के लिए Nykaa's Like It Long mascara. Guys, ये बहुत ही अच्छा product है and you would not regret buying it. Second, for curling, I have Lakme's Iconic mascara. ये hyper curling mascara है, बहुत ही अच्छा curled effect देगा आपकी lashes को. And last is guys, ऑल इन वन, वॉल्यूमिनाइजिंग है, लेंथनिंग है एंड कर्लिंग है। एंड गाइज इसको आपको यूज करना ही चाहिए। दिस इज फेसेस कैनेडाज मैग्नेट आइज वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा। गाइज ये आपको फॉल्स लैशेस से 1% कम इफेक्ट नहीं देगा। 2 coats ऑफ दिस मस्कारा एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। गाइज बिल्कुल मूव नहीं करता, स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, एवरीथिंग प्रूफ गाइज। एंड गाइज डू गिव इट अ शॉट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ओके गाइज, नेक्स्ट अप फॉर काजल। गाइज यू नो आप अगर मुझे जानते हैं देन यू नो दिस, मैं काजल खाती हूँ, लगाती नहीं हूँ, खाती हूँ, लिटरली खाती हूँ। और मेरे पास अभी जो मैं आपको रिकमेंडेशन दिखाऊंगी उसके अलावा भी 100 काजल रखे हैं, बट आई हैड टू चूज यू नो द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द काजल्स अवेलेबल फॉर आई हैव एज ऑफ नाउ। सो येस गाइज, फर्स्ट इज पैक्स कोल पेंसिल। दिस पर्टिकुलर शेड इज स्किन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट, सो डू चेक दिस आउट। सेकेंड इज लैक्मेस आइकॉनिक पेंसिल। गाइज ये एक ओजी प्रोडक्ट है, 2012 से शायद मार्केट में है। एंड डू गिव दिस अ शॉट, बहुत अच्छा है, अंडर अ बजट। इट जस्ट डजंट स्मजेस, जस्ट डजंट बजेस, वाटरप्रूफ, स्मज प्रूफ, सारे प्रूफ है गाइस। थर्ड इज के ब्यूटीज काजल इन द शेड स्पेड। गाइज ये शायद मेरे को यू नो पूरे के ब्यूटी में से इकलौता अफोर्डेबल अच्छा प्रोडक्ट लगता है। ये शायद 250 का इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड गाइज ये बिल्कुल यू नो बिल्कुल नहीं हिलता, बिल्कुल भी नहीं हिलता। थर्ड इज कलाबार्स काजल एंड आई एम इन द शेड जस्ट स्मोकी, सॉरी जस्ट ब्राउन 006। दिस कम्स विद अ स्मजर अलोंग विद इट। और गाइज ये एक बहुत यू नो अच्छा प्रोडक्ट है, मेटेलिक है, सो इफ इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस देन डोंट गो फॉर दिस। बट गाइज अदर देन दैट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलता है, मतलब मैंने इसको इतनी बार यूज किया है बट अभी तक शार्पन भी नहीं करने को आया है। थर्ड इज मेबेलिन टैटू स्टूडियो स्मोकी काजल एंड गाइज दिस ऑल्सो कम्स विद अ स्मजर एट इट्स एंड। थर्ड इज अगेन के ब्यूटीज काजल, दिस इज इन द शेड ओनिक्स। ये एक जेल काजल है बट ये बहुत अच्छा काजल है गाइज, टोटली स्मज प्रूफ है। एंड गाइज थर्ड इज मेबेलिन न्यूयॉर्क्स कोलोसल काजल। गाइज ये एक ओजी प्रोडक्ट है, आई थिंक सो ऑल ऑफ यू हैव सीन योर मॉम और सिस्टर वेयरिंग दिस पर्टिकुलर काजल। गाइज फॉर आई लाइनर आई वुड रिकमेंड यू के ब्यूटीज आई लाइनर। आप देख रहे हैं हर दूसरा प्रोडक्ट ही के ब्यूटी का आ जाता है, मतलब हर चीज, मेरा पूरा घर ही के ब्यूटी है गाइज। सो येस गाइज, दिस वॉज माई रिकमेंडेशन फॉर आई लाइनर। गाइज इनका पे ऑफ बहुत ही ज्यादा बैंग ऑन है, मतलब एक स्ट्रोक में यू नो आप जब फोटो 1 किलोमीटर दूर से भी खींचें, मतलब दैट्स जस्ट आई एम सेइंग लाइक दैट, मतलब आप थोड़ी दूर से भी फोटो खींचें तब भी आपको आई लाइनर का कलर दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है। सो येस गाइज एंड दिस इज टोटली स्मज प्रूफ, बहुत बहुत ज्यादा देर के लिए टिका रहता है। सो येस गाइज टू ग्रैब इट एंड दिस गोज इन ग्रेट डिस्काउंट्स, आई थिंक सो 40% ऑफ तक जाता है और इसकी MRP इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 रुपए। गाइज नेक्स्ट अप फॉर लिप लाइनर्स, लिप लाइनर्स भी मेरे पास बहुत सारे हैं बट हियर आर माई टॉप रिकमेंडेशन फॉर लिप लाइनर्स। फर्स्ट इज लैक्मेस लिप लाइनर एंड guys this the name of the lip liner is Lakme perfect definition lip liner and I'm in the shade cosmos blush। guys ye ek bahut long lasting lip liner hai and pura lipstick ki tarah hi kaam karta hai। second is guys the hype about this lip liner is real, this is Charlotte Tilbury's lip liner and I'm in the shade foxy brown। ye maine november ki Nykaa sale mein liya tha aur maine shayad isko if I'm not wrong 20% off mein liya tha। third is daily forever's lip liner and I'm in the shade f1610। guys this is butter,
लिटरली बटर है गाइस, ये बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है. थर्ड आर नाइकास लिप लाइनर्स. आई ओन देम इन क्वाइट अ फ्यू शेड्स, बट हियर इन माय हैंड दिस इज फीएसटी ब्रूनेट. ऐसे मैंने शेड कोई देख के नहीं उठाया था, बस नाइका का आपको लिप लाइनर दिखाना था रिकमेंडेशन के लिए, इसीलिए ये नाइका का लिप लाइनर. बहुत अच्छे लिप लाइनर्स है, अंडर बजट. द ओनली कॉन इज नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बट आई थिंक सो इतने कम पैसों में आपको लिप लाइनर दे रहे हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350 का होता है, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ अ ब्रांड. एंड गाइस, दिस इज द लास्ट लिप लाइनर. दिस इज माई होली ग्रेल गाइस, के ब्यूटीज लिप लाइनर. गाइज, इनको तो आप पता है कुछ ना खरीदे ना सेल में तो भी के ब्यूटी का लिप लाइनर ले लीजिएगा अपने मनपसंदीदा शेड में, एंड यू वुड थैंक मी फॉर दैट लेटर गाइज. गाइज, सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट इन द होल मेकअप रेंज, इसके बाद बस एक लिप ग्लॉस रहेगा एंड देन वी आर फाइनली डन विद दिस वीडियो. गाइज, यू नो आई एम एक्चुअली फीलिंग द हीट वाइल स्पीकिंग फॉर दिस वीडियो. ऑल द अप्लायंसेज आर ऑफ एंड गाइज, द पेन इज रियल, द बर्न आउट इज रियल. प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. एनीवेज, बैक टू द टॉपिक गाइज. लिपस्टिक्स मेरे पास बहुत सारी हैं गाइज, मतलब आई थिंक सो अगर मैं अपना पूरा कलेक्शन लिपस्टिक का बनाऊं तो शायद वो वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी, इतनी सारी लिपस्टिक्स हैं. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शो यू ऑल द लिपस्टिक्स, बट हियर आर माई टॉप रिकमेंडेशंस व्हिच यू मस्ट गिव अ शॉट टू इफ यू हैवंट ऑलरेडी. गाइज, फर्स्ट इज नायका की मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक रेंज. गाइज, द हाइप अबाउट दिस रेंज इज रियल. गाइज, ये बहुत ही अच्छी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हैं, टैटू की तरह आपके लिप्स पे स्टिक हो जाती है एंड दे जस्ट डोंट मूव, सो डू गिव देम अ शॉट. नेक्स्ट इज नायकास अल्ट्रा मैट लिपस्टिक्स. गाइज, ये भी बहुत अच्छी है. ये यू नो टोटली मैट तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली लिक्विड लिपस्टिक नहीं है तो थोड़ा सा ट्रांसफर तो होता है, बट एनीवेज गाइज, निकलती भी नहीं है और कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है गाइज. बस डैप डैप करने से बहुत अच्छा कलर मिलता है आपको. सो डू चेक आउट एनी ऑफ योर फेवरेट शेड्स फ्रॉम दिस रेंज, क्योंकि 50% ऑफ तक जाता है. 600 रुपए एमआरपी है, 300 रुपए में आपको मिलती है. एंड गाइज, थर्ड इज नाइकाज ऑल डे मैट लिपस्टिक्स. गाइज, मेरे पास इस रेंज का बस एक ही शेड है, टीचर ट्राइब, बट दिस इज अ ग्रेट थिंग गाइज. ये 12 आवर लॉन्ग लास्टिंग पावर रखती हैं, सो डू गिव देम अ शॉट. एंड गाइज, यू नो मास्क के जमाने में हु वुड प्रेफर ट्रांसफरेबल लिपस्टिक, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज फेसेस कैनेडाज कॉम्फी मैट लिपस्टिक रेंज. गाइज, डू गिव इट अ शॉट इफ यू हैवंट ऑलरेडी. ये शायद 400 रुपए की है, सेल में आपको 25-30% ऑफ तक मिल जाएगी और गाइज स्टेइंग पावर बैंग ऑन है. आप जब लगा के देखेंगे तभी आपको पता चलेगा. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लिपस्टिक, दिस इज शुगर्स मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक. एंड गाइज, इसमें आपको जो भी शेड अच्छा लगे आप यूज करके देखेगा एंड देन कम बैक टू माई वीडियो एंड थैंक मी लेटर. एंड गाइज, द लास्ट वन इज लैक्मेज Forever Matte Liquid Lip Color. Guys, इसको अगर I don't know how much is visible on camera, इसको मैंने बहुत use किया है. If you guys can see that, यहाँ पे bubble भी आ गया है. So guys, ये एक soft matte formula है. आपको touch up की जरूरत रहेगी अगर आप कुछ खाते पीते हैं lipstick लगा के, but other than that, I think so ये रुक जाएगा आपके लिप्स पे, क्योंकि मैं लगा के बिना मास्क के मतलब लगा के रही हूं तो आई डोंट थिंक सो ये ऐसे निकलता है. मतलब मेरा तो नहीं निकला था, बट इफ यू आर कंसिडरिंग वेयरिंग अ मास्क देन यू वुड रिक्वायर टू टच दिस अप. और ये ऑलरेडी यू नो काफी सस्ता प्रोडक्ट है. आई कैन नॉट सी द प्राइस क्योंकि स्टिकर ऐसे फटा हुआ है, बट आपको लैक्मे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में मिलेगा. सो डू चेक आउट फॉर योर फेवरेट शेड. ओके गाइज, लास्टली कमिंग ऑन टू द लिप ग्लॉसेस. एंड गाइज, आई हैव दीज लैक्मे एब्सोल्यूट्स लिप ग्लॉसेस और मेरे पास इसके 3 शेड्स हैं. फर्स्ट वन इज प्लम मैजिक, सेकेंड वन इज कैरमिल क्रेम कैरमिल एंड थर्ड वन इज ड्यूई पिंक. मैंने इन्हें बहुत 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 अच्छे डिस्काउंट्स पे खरीदा था. दिस रिटेल्स फॉर 675, पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने शायद इनको यू नो हार्डली इनके 300 रुपए भी नहीं दिए एक एक लिप ग्लॉस के. और गाइज, कलर पे ऑफ बैंग ऑन है. चेक दिस आउट गाइज, यू वॉन्ट रिग्रेट बाइंग दिस. नाउ गाइज, फॉर टेकिंग ऑफ योर मेकअप आई हैव 2 रिकमेंडेशंस. फर्स्ट इज गार्नियर्स माइसेलर वॉटर. गाइज, ये बहुत ज्यादा देर तक के लिए यू नो आपके लिए लास्ट करेगा. मेरे पास शायद ये 400 ml वाला है. ये मैंने पिछले साल खरीदा था एंड गाइज यू कैन सी दैट ये मतलब यू नो अभी तक क्लोज टू फिनिशिंग भी नहीं आया, आधे से थोड़ा कम हुआ है. गाइज, सेकेंड इज लैक्मेज क्लिनजिंग मिल्क. आई ऑलवेज हैव अ बैकअप फॉर दिस बिकॉज दिस प्रोडक्ट रियली गोज आउट ऑफ स्टॉक रियल फास्ट. सो येस गाइज, एंड यू वुड नॉट रिग्रेट बाइंग दिस. एंड गाइज, आफ्टर दैट फॉर द कॉटन पैड्स आई हैव दिस ट्यूलिप्स कॉटन पैड. ये मेरा भी रिसेंट परचेज है. इससे पहले मैं नायका के कॉटन पैड्स यूज करती थी, बट कंपेयरिंग द प्राइसेज ऑफ बोथ द कॉटन पैड्स आई फाउंड दिस वन इज वेरी चीपर देन नायकास कॉटन पैड. सो डू चेक इट आउट. एंड इट इज ऑल्सो यू नो मोस्टली आउट
out of stock from Nykaa. Guys, as a final part to this video, I want to end this video by showing you the makeup applicators which I use. Like, you know, I have shit ton of makeup brushes and sponges, like makeup applicators. But there are a few products which I always reach out for, and you might have seen me using them repeatedly in all of my videos. Guys, first is Pax 211 brush. Guys, if you can see that, ये बहुत ही you know soft और fluffy brush है. Multipurpose use के लिए है. Under eyes में powder set करने के लिए भी और blush लगाने के लिए भी. So you can buy this and use it as a multipurpose product. Second is Swiss Beauty's foundation brush. Guys, bang on brush है और Swiss Beauty already बहुत cheap होता है, but you can buy it always in discounts. So yes guys, this was my second recommendation. Third is guys, ये आपने मेरे को शायद मेरी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होती जिसमें मैं इसको ना यूज करूं. This is Pro Arts PE22 brush. Guys, professional ultimate brush है ये. Guys, the next brush is Pax 213 brush. Guys, आप ये थोड़ा सा fluffy brush है तो transition के लिए या eye shadow blending के लिए तो use कर ही सकते हैं. Other than that, इसको आप concealer लगाने के लिए भी use कर सकते हैं. And my last holy grail is this Nykaa's powder brush. Guys, this is also a bang on product, bang on. And guys, for beauty blender, I have this recommendation, Nykaa's beauty blender. ये 50% off तक मिल जाएगा आपको. So don't miss out on this because this also goes out of stock real fast. So yes guys, and this is like, you know, a very soft and a very like, you know, pura paisa vasool product hai guys. Guys, with this we end today's video, and all the products were tried and tested by me. That's why I had recommended to you, and you can also check the swatch test on, you know, some of my previous videos. क्योंकि मेरे सारे ही products जो थे वो मेरे favorites थे, तो मैंने उन सभी products को किसी ना किसी video में use किया ही है. So yes guys, I just hope that this video was sort of helpful to you and you would consider my recommendations for this year's Nykaa sale. And if in case you buy anything from my recommendations, do comment down below and let me know that, you know, what all things you brought from my recommendations. And yes guys, with this we end today's video. We'll be meeting in the next video. Till then, stay safe, stay happy, and bye guys. And also guys, if in case this video was helpful to you, please give this video a big thumbs up, and also do consider subscribing to my channel. The burnout is really real guys, please do consider subscribing my channel. Bye.